तुम हॉलीडेज कैसे हैं? अच्छा, देखिए, फर्स्ट ईयर का जो मेनू वर्ड्स गेम की अपडेट आई है उसको कैसे चलाना है या कैसे इसको डाउनलोड करना है, क्या इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो मज़े की होने वाली है, आपने इसे कंप्लीट वॉच कर लेना है, सारी चीज़ें समझ लेनी है, लेकिन आपकी अपनी ही चॉइस है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ईयर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो भी इसमें मौके आते हैं ना, उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। वक्तन फिर वक्तन इसमें कुछ ना कुछ न्यू आता रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे फायदे हमारे ही बेनिफिट के लिए होती हैं। तो इसमें हमें थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अगर काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ले जाएंगे। अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो अपना नुकसान करेंगे, सिस्टम का कोई भी नुकसान हम लोग नहीं कर रहे होते। तो अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड करना, तो आपने इसे अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। कौन से एप्लीकेशन? गूगल क्रोम एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिर आपने ना यहाँ पे सर्च करना है म्यू वर्ड, ठीक है। म्यू वर्ड ये आपने सर्च कर लेना है, म्यू WOR वर्ड, ठीक है। ये आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसे गो करेंगे। जैसे गो करेंगे, ये म्यू वर्ड्स की ऑफिशियल जो साइट है ना, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे नीचे आना है। ये देखें, ये एंड्रॉइड बीटा वर्जन जो है ना, 0.001, ठीक है, ये इसकी आ चुकी है। आपने यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। जस्ट आप इसके ऊपर एक बार टच करेंगे, जब टच करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास पॉपअप आ जाएगा डाउनलोड, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपके पास डाउनलोड का बटन होगा, मेरे पास डाउनलोड अगेन का बटन आ रहा है। आपने डाउनलोड इसको कर लेना है, ठीक है। जैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इधर ही इंस्टॉल का बटन आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने इधर इंस्टॉल कर लेना है। या फिर आप अगर के आपके पास इंस्टॉल का बटन ना, आप साथ में कोई और काम कर रहे हो, तो आपने ऊपर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड वाले सेशन में चला जाना है, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास ये एप्लीकेशन आई होगी, आपने फिर इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है, तो मेरे पास अपडेट का बटन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके से ये एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। क्या करना है? ओपन करना है। जैसे मैं ये अभी ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट। उसके बाद आपने इसके नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद ये एप्लीकेशन का ओवरलुक है। अब आपने इसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ये वॉलेट, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। किसके ऊपर? ट्रस्ट वॉलेट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई और वॉलेट इंस्टॉल है, तो फिर आप क्या काम करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करके, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट वॉलेट का बटन आता है नीचे, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से ये देखिए, मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट है, आपने जो भी इंस्टॉल किया हुआ है आप उसको चूज करेंगे। मैंने ट्रस्ट वॉलेट किया हुआ है, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को ही चूज कर रहा हूँ। जस्ट वन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में साइन इन, इसका पासवर्ड लगाना है, और आपके पास साइन इन का बटन आ जाएगा, ठीक है। पहले कनेक्ट का बटन आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको खेल रहा हूँ, तो आपके पास कनेक्ट का बटन आएगा। कनेक्ट के बटन आने के बाद फिर आपने वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में ही थोड़ा सा वेट कर लेना, और वहाँ पे आपको साइन इन का बटन मिलेगा। जैसे ये मुझे अभी साइन इन का बटन मिल गया, मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ और पासवर्ड लगाता हूँ। जैसे पासवर्ड लगाऊंगा, तो ये मेरा जो वॉलेट है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या काम करना है, ट्रस्ट वॉलेट को ऐसे पकड़ के उड़ा देना है और आपने गेम की तरफ आ जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये देखें, ये आपका गेम ओपन हो गया, ठीक है। जस्ट वन मिनट, यहाँ पे चेक करें, ये हमारी गेम का ओवरलुक है, ठीक है। ये हमारी गेम, क्योंकि मेरे पास लेजेंडरी NFT पड़ा हुआ है, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपके पास कॉमन NFT होगा, कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसकी सेटिंग ऊपर क्लिक करें एक मिनट, यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसे चेंज कर, मेरे पास जितने भी NFT पड़े हैं वो सारे के सारे इधर शो हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो भी NFT होगा वो शो हो जाएगा। मेरे पास अनकॉमन भी है, लेजेंडरी भी है, कॉमन भी है। तो अभी मैं लेजेंडरी की हेल्प से ही इसको खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लेजेंडरी NFT आ गया। अब इसमें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना इधर, ठीक है, इधर से आप अपने NFT को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इसका बटन है, ये इसका डिनर पेज है, ठीक है। आप इसे अपने NFT को यहाँ से परचेजिंग करेंगे स्टोर से, इसका डिनर, ठीक है, इसके खाने की चीज़ें परचेज करने के बाद, ये देखिए, परचेज करने के बाद उधर जाके आप डिनर पेज पे जाके वो चीज़ इसको खिला देंगे, ठीक है। ये इसका एनर्जी पेज है, यही एक न्यू अपडेट आई है। इसका ये होता है कि अगर आप इसको रिसाइकल एनर्जी के ऊपर कर देते हैं, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर इसको आप ये अभी मुझे कितने बजे मिलेगी, ये मुझे 12:03 में मिलेगी। अब मैं यहाँ पे गेम को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये जो है ना, ये चीज़ फिर मुझे मिल जाएगी, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद आगे है ये,
हमें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ गेम में ये काम करना है, ये वाली जो चीजें हैं ना इसको इकट्ठे करते जाना, ठीक है। इसको जितना हो सके हम लोगों ने कलेक्शन करनी है। अभी हम लोगों ने अर्निंग की तरफ नहीं देखना, अर्निंग हमारी स्टार्ट होगी तब जब हमारे पास ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। आपको पता है गेम में एक चीज हमें दी जाती है, उसको हमें इकट्ठा करना होता है उसके बेस पे ऊपर, ये हमारा क्वाइन है, ठीक है। इस क्वाइन को हम लोगों ने माइन करना है, जितना हम लोग माइन करेंगे उतना ज्यादा फिर आगे फ्यूचर में इसकी जो भी जिस तरीके से इसकी प्राइस बनेगी, जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे BNB और BUSD में स्वैप होगा या जो भी होगा वो आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपने पहले इसको इकट्ठा करना है, जितना हो सके इसको इकट्ठा करेंगे, इसको इकट्ठा करने के बाद फिर उसको स्वैप करेंगे इसने, और इसका आगे रेट बनेगा, जो भी रेट बनेगा वो आगे बता दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसी इन्हीं को ही माइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों ने माइन करना है, और माइन कैसे करना है, हम लोगों ने गेम खेलनी है। गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपने ये देखें इस पे आइकन के ऊपर आना है, इसके ऊपर, ठीक है। इस आइकन के ऊपर आएंगे, आने के बाद फिर आपने वर्क स्टार्ट, ठीक है, इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो गेम है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ये जो है ना मुक्का वाला बटन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऐसे मार देंगे। जैसे देखें मैंने एक ही मुक्के में उस अगले बंदे को ना ओवरटेक कर दिया, एक ही मेरी बीट हुई और एक बीट में मैंने 100% दी उसको डैमेज कर दिया और मुझे यहाँ से कितने मिल गए, XP मिल गए। अब यहाँ पे जाते हैं वापस, और ये देखें मेरे पास पहले 900 समथिंग 300 समथिंग थे, अभी मेरे पास 416 हो गए, ठीक है। आपने इधर से इसी के ऊपर इसी बटन के ऊपर ही बार बार आपने क्लिक करते जाने, पहले आप यहाँ से अपना प्लेयर को लेकर आएंगे, फिर आप ये मुक्का मार देंगे, ठीक है। फिर आप अपने प्लेयर को लेकर आएंगे और मुक्का मार देंगे यहाँ पे, ये देखें, और मैंने दोबारा से गेम जो है ना विन कर लिया। यहाँ पे देखें 2 मैंने बीट खेला और 85% उसको खुद थोड़ा बहुत मैं डैमेज हुआ और उसको डैमेज करके मैंने फिर से 37 XP विन कर ली। ये देखें 37 मेरे फिर से विन हो गए। इस तरीके से आपने ये खेलते जाना है और इनको इकट्ठे करते जाना, ठीक है। ये जो है ना इनको इकट्ठे करते जाना है। अब यहाँ से हम लोग जो है ना दोबारा एक बार खेलते हैं, और करने के बाद ये मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको मुक्का मारा, एक मिनट, ये देखें ये मैंने उसके मुक्का मारा और 100% डैमेज कर दिया, ठीक है। ये तीसरी गेम मैंने आप लोगों के सामने ही विन कर ली, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे जो है ना ये बढ़ रहे हैं, ये आप जब भी जिस वक्त फ्री हूँ एक दो गेम में आप इसी खेल के इनको इकट्ठे करते थे, जितना हो सके इनको इकट्ठे करें। उसके बाद दूसरा ये है कि यहाँ से आप इसके खाने इसकी चीज़ें आप ले कर सकते हैं। जब हमारे पास 2500 हो जाएंगे हम लोग एक टिकट भी इससे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 2500 इसको इकट्ठा करेंगे, अभी मेरे पास कितने 400, इतना मुश्किल नहीं है। 3500 हर बेच के ऊपर आपको मिलते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको खेलते जाते हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या एक और इसमें चीज़ है, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे ब्रेन गेम है, ये देखें ये ब्रेन वाली, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये किसी इस वक्त ओपन होती है, अगर आपके पास आप न्यू टाइम इसको खेलेंगे ना तो ये लाजमी आपके पास ओपन हो जाए, ठीक है। अभी मेरे पास ओपन होगी, अगर ओपन हो जाती तो मैं आपको ये भी सिखा दूँगा, लेकिन एक मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा खाना के लगते हैं, फिर चार में ये मिलते हैं। ये देखें ये 40 XP की है, ठीक है। मैं इनमें से कोई एक परचेज कर लेते हैं, जो कम वाला खाना वो बन देते हैं, ये देखें ये तो हुआ, ठीक है। उसको मैंने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद डिनर पेज पे आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरे पास आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो का टच करूँगा ये मेरा खा लेगा, ठीक है। अब इसे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस चीज़ के खाने से, बट हम लोग ब्रेन बॉक्स चेक करते हैं अगर ओपन हो जाए तो। ये ब्रेन दूसरी गेम है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, अच्छा अभी भी ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कोई ज़्यादा इसको खाना खिलाना पड़े या जो भी है, बट मैं ज़्यादातर इसके ऊपर ही काम करता हूँ, और यहाँ से ये देखें ये चीज़ें जो है ना मैं आपने इकट्ठी करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसके ऊपर डेली बेसिस पे खेलें, इस चीज़ को जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे आप लोगों का अपना ही बेनिफिट है। कुछ टाइम बाद ही इसकी नेक्स्ट जो है ना अपडेट आएगी, जब अपडेट आएगी तो इसको कन्वर्ट करने का बटन आएगा, जब कन्वर्ट करने का बटन आएगा तो आप लोगों के पास ये जितना ज़्यादा माइंड होगा ना उतना ज़्यादा आप वहाँ से निकाल पाएंगे अर्निंग, BUSD या BNB या रियल मनी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास ये चीज होगा सबसे ज़्यादा होगी। अभी मेरे पास मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही इसको खेले, लोग किसी वक्त ओपन कर ले तो मैं ज़्यादा इसको खेलता ही नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम ही नहीं होता, तो ये चीज़ है जो लोग फ्री हैं आप इसके ऊपर खेलते रहें और यहाँ से इनको इकट्ठा करते रहें, और कुछ टाइम बाद ही इसके अपडेट, जैसे इसमें अभी वक्त डेली बेसिस पर इसकी कोई ना कोई अपडेट आई जा रही है, तो एक अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल सकती है और हम लोग
यहाँ से इनकम भी जनरेट करेंगे। ठीक है, ये रही हमारी प्रोसेस की गेम। और बाकी जो चीज़ें हैं, आप इसके साथ अपना वैलेट, ओरिजिनल वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको खेलें डेली बेसिस पे, थोड़ा बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा बहुत टाइम इसको दें और खेलते जाएँ और इन एक्सपी को ना इकट्ठा करते जाएँ। जितने ज़्यादा आप इसको इकट्ठा कर लेंगे, 2500 में आप एक टिकट भी बाय कर सकते हैं। अगर आप टिकट बाय करते हैं तो वो उन लोग वो कह रहे थे कि आपको एक अच्छा रिटर्न वो देंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप इनको जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, इनको फिर BNB और BUSD या जिसमें भी वो हमें रिवार्ड देंगे, उसमें हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेंगे और फ्यूचर में इससे फ़ायदा उठाएंगे। अभी के लिए इतना, उम्मीद काफ़ी है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लेंथ ही ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें समझा दी हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। कमेंट्स और लाइक वीडियो को लाजमी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है, नहीं तो कोई मसला नहीं।